हेलो मेरे प्यारे गेमिंग के दीवानों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और इनक्रेडिबल गेम प्ले वीडियो में, जहां पर गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। तो गाइस फटाफट से हमारे आज के इस वाले गेम प्ले वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन गाइस उससे पहले हम चलते हैं हमारी पार्किंग में और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सी गाड़ी है। तो यहाँ पर हमारी पार्किंग ओपन हो चुकी है और भाई हमारे पास है ब्रेवेडो बफेलो एस स्पोर्ट्स नाम की गाड़ी है, जिसका लुक दिखने में तो काफ़ी शानदार है, मतलब एवरेज है, यहाँ की गाड़ियों की तुलना में एवरेज है, लेकिन हाँ गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, चलने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और इसके सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। सो गाइस अभी हम जाने वाले हैं एस करके कोई मिशन है उस जगह पर और देखते हैं कि वहाँ जाकर क्या सीन है। और साइज से यही वो जगह है, ओके यहीं पर जगह है, यहाँ पर कोई मार्क आ रहा है एस नाम का। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर लेते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं कि क्या कुछ है मिशन। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर ली है, चलो चलो फटाफट से चलते हैं मिशन करने के लिए। गेम में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और भाई सामने की तरफ आ गए हमारे टकलू इंसान, ओ भाई ये तो लमार ही है जिसका हमने कल ही मिशन पूरा किया था। ओ भाई ये टकलू फिर से हमें दर्शन देने आ गया और ये अपनी फिर से अपनी वाली स्टाइल में बोलना स्टार्ट हो गया होगा। ओ भाई भाई तो देखते हैं आज हमारे लिए कौन सा मिशन है। और वैसे ये वाला चोर सर्कल का बंदा चिंदी चिंदी मिशन देखता है, देखो अभी भी क्या मिशन दिया इसने। ओके तो गाइस अभी इसने हमारा मिशन ये है कि हमें माइकल नाम के बंदे के घर से एक SUV कार चुरानी है। तो मतलब देखो भाई इस बंदे का स्टैंडर्ड देखो, मतलब चोरी चपाटी इसको करनी है, गाड़ियाँ चुरानी है, इतना बड़ा शोरूम है फिर भी ये अपने काम से बाज नहीं आएगा। तो अभी हम फटाफट से चलते हैं माइकल के घर पे और वहाँ से उसकी SUV कार चुरा के लाते हैं और बाकी तो वहाँ पर जाके पता चलेगा कि वहाँ का क्या सीन है, सिक्योरिटी विक्योरिटी क्या ज़्यादा है कम है। तो फटाफट से अपने यहाँ पर गाड़ी को यहाँ से घुमा लेते हैं और चलते हैं माइकल के घर पर। तो यहाँ से मैंने अपनी गाड़ी को फुल ऑन स्पीड में घुमाते घुमाते गाइस हम पहुँचने वाले हैं माइकल के घर पे। तो यहाँ पर सियार से माइकल का घर, ओके यही माइकल का घर है। और वैसे भाई ये माइकल काफ़ी ज़्यादा रईस बंदा लगता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ पर ये टिक आ रहा है, ओके यहाँ से इस वाले दरवाजे को टाप के जाना है, चलो टाप लिया दरवाज़ा। और क्या लिखा है, फाइंड अ वे इनटू द हाउस, ओके हम गमे घर के अंदर का जाने का रास्ता ढूंढना है और टेक आउट द गार्डनर, ओके भाई गार्डनर को लपेटे में लेना है, इसके पास मेरे लिए निंजा टेक्निक है। ये देखो गार्डनर को बेहोश करने की निंजा टेक्निक, मतलब क्या ही खतरनाक वाला बेहोश किया है दो उंगुलियों से। तो अभी हमें यहाँ से घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा, देखते हैं यहाँ पर कहीं रास्ता मिलता है। वैसे यहाँ पर गेम के हिसाब से टिक तो यहीं आ रहा है, वो इस गाड़ी को फाड़ना है क्या, ओके गाड़ी को फाड़ना है और इसको भी फाट, ओ भाई इसको भी टाप सकते हैं, चलो 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 छत पे ऊपर आ गए। और यहाँ पर हमारे लिए विंडो तो खुली है, तो फटाफट से विंडो के अंदर चल जाते हैं। और भाई घर, और भाई लगता है हाउस में कुछ लड़ाई वड़ाई चल रही है, बहन भाइयों के बीच में दोनों बकवास कर रहे हैं। और भाई साइड में क्या रूम है, मतलब कंप्यूटर वम्प्यूटर PS4 सब कुछ लगे हुए हैं। और अभी हमें आराम से बिना कुछ आवाज़ किए यहाँ पर से चुपचाप गाड़ी चुरा के लेके जानी है, नॉइस बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके यहाँ पर सामने ये दोनों अपने अलग लगे हुए हैं, कोई बैडमिंटन का कोई प्रैक्टिस कोचिंग देने आया हुआ है। और भाई हमें गैराज ढूंढना, ओ भाई यही तो है गैराज, ओ ग्रेट 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 भाई इतना आसान, मैंने सोचा था कोई सिक्योरिटी विक्योरिटी होगी, कुछ नहीं भाई, एक दो मिनटों का काम है हमने गाड़ी चुरा ली। तो भाई तो फटाफट से यहाँ से चलता है वरना भाई यहाँ पर कोई देख लेगा, पंगा वंगा क्रिएट ना हो जाए। तो अपनी गाड़ी को फुल ऑन स्पीड में भगाते हैं और भाई इस गाड़ी को डेंट मैंट नहीं पड़ना चाहिए भाई, वरना लमार हमारी वाट लगा देगा। वैसे लमार है कौन वो टकलू यार, उसको मुझे रियल में मारने का मन करता है। और अभी पहले उसको फ़ोन करके पहले इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, भाई तेरी गाड़ी चुरा ली है तू अब आराम से रहे। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को घुमाते हैं और भाई एक मिनट, ये गाड़ी में पीछे की साइड कौन सा बंदा बैठा है, अबे एक मिनट, प्रेस R टू हुड कैमरा, ओके R प्रेस कर लिया। ओ भाई यहाँ पर गाड़ी के पीछे एक और बंदा बैठा है जो हम पे गन ताने हुए हैं, तो देखते हैं क्या सीन है। और भाई हमारे पास कुछ गलत ही सीन हो गया हमारे साथ गाइस, हम इस बंदे की गाड़ी किडनैप करने गए थे और इस बंदे ने हमें ही किडनैप कर लिया, मतलब क्या ही गलत सीन हुआ है। तो देखते हैं अभी ये बंदा क्या बोलता है, इसने हम पे वैसे गन तानी हुई है तो इसका कहना तो करना पड़ेगा। ओके तो अभी हमें लोकेशन चेंज नहीं करना, मतलब ये बंदा बोल रहा है कि हमें उसी जगह पे जाना है जहाँ पर इसने पहले बोला था, तो अभी हम वहाँ पर उस जगह पर वैसे पहुँच चुके हैं यानी लम्हार के शोरूम पे। और भाई वो रहा सामने लम्हार का शोरूम, You can't be for real.
और भाई साहब ये क्या बोल रहा है, मतलब हमें विंडो तोड़ के गेट के अंदर एंट्री लेनी है। ओहो, मतलब जिस काम के लिए हम बने हैं, मतलब उस काम के लिए हम परफेक्ट है, वही काम करना है। मतलब एकदम सल्लू भाई वाली एंट्री लेनी है, कांच तोड़ के टन टन टन। ओ भाई भाई भाई, कांच के चूरा चूर हो गए, क्या ही खतरनाक एंट्री ली है हमने कांच तोड़ के शोरूम में। और भाई अपने को भी थोड़ी बहुत लगी है, और गाड़ी का तो पूरा सत्यानाश हो चुका है। तो भाई अपने को पैसों से मतलब है, पैसे दे भाई और हम इधर से निकलते हैं, अपने को कोई काम नहीं है। और ओ भाई अभी हम ये वाला कैरेक्टर बन चुके हैं, और इस कैरेक्टर का नाम शायद से माइकल है। ओ भाई भाई भाई, बीट अप साइमन, यानी अभी साइमन की बैंड बजानी है, टकलू मास्टर के मत्थे पे मारनी है। तो भाई आजा, अब होता है WW स्टार्ट करते हैं। ओ भाई हमको मारेगा, देखो भाई इतना बड़ा हो गया तू, हमको मारेगा तेरे मत, इसके रुक, इसके मुंह पे मारेंगे अबे इसकी। ओ भाई अभी माइकल ज़्यादा ही गुस्से में आ चुका है, तो अभी इसको छोड़ने वाला नहीं है, इसको धमकाएगा वमकाएगा अच्छे से, इसकी कुटाई करेगा। यू भाई गेट से मार रहा है, भाई 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 कुछ ज़्यादा ही खानदानी गुंडा लग रहा है अपना माइकल तो। ओ भाई एक और फटका, गजब गजब गजब। ओहो भाई अपना साइमन तो गया भाई, इसके मत्थे से आज खून निकालने वाला है अपना माइकल। ओके तो अभी माइकल को यहाँ पर बोल दिया है। ओके अभी माइकल ने भाई फुल ऑन साइमन को धमका दिया है, डरा दिया है, और बोला है कि ऐसी हरकत अगर अगली बार की तो मतलब तू खत्म। वैसे भाई अभी तक हम फ्रैंकलिन के कैरेक्टर में थे, मतलब चिंदी चोरों वाली हरकतें कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि अब करेंगे रॉयल वाली डॉन वाली हरकतें। तो देखते हैं कि अभी गेम में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वैसे इस साइमन ने हमारी गाड़ी चुराने के लिए बोला था, इसलिए हम भी इसकी गाड़ी को चुरा के ही हम अपने घर जाएंगे। तो यहां से गाड़ी निकल जाएगी, अबे निकलेगी कैसे, नहीं हम आकर इस शहर के रॉयल डॉन है, कहीं से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर फटाफट से इसकी गाड़ी को घुमा लेते हैं। और भाई अभी हम वैसे माइकल के घर पर पहुंचने ही वाले हैं, और थोड़ा बहुत आराम वाराम कर लेते हैं क्योंकि रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और अपने घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो गए। तो फटाफट से अपने घर में चलते हैं। और भाई माइकल अपना घर में वैसे आराम से जा रहा है अपने रॉयल तरीके से, मतलब इस माइकल का अंदाज ही अलग है देख लो। और भाई अपनी रात से सुबह भी हो चुकी है। और भाई साहब इनके घर में फिर से लड़ाइयाँ चालू हो चुकी है, लेकिन भाई अपना माइकल आज फुल ऑन चिल ऑन के मूड में है, अपने हेडसेट वेडसेट सब लाएंगे, सिलार विलार लगा के फुल ऑन रॉयल स्टाइल में आज चिल मारने वाला है। तो अभी फटाफट से माइकल को अपना चिल मारने देते हैं आज के लिए। सो ओके गाइस, अभी हमारे माइकल ने फुल ऑन चिल मार लिया, और इसके साथ हमारे फ्रैंकलिन भैया भी माइकल से मिलने के लिए आए कुछ काम के लिए। तो देखते हैं कि फ्रैंकलिन भैया को क्या काम है। और भाई किसी का कॉल आ रहा है, एक मिनट कॉल अटेंड कर लेते हैं। ओके जिमी करके कोई बंदा है, उसका कॉल आ रहा है, देखते हैं क्या बोलता है। The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but ओके भाई लगता है जिमी कुछ परेशानी में है। ओहो याच, ओ भाई साहब मतलब जिमी माइकल का ही बेटा, और वो किसी याच पे था, और याच वहाँ पर स्टोलन यानी चुरा दी गई है। तो अभी हम फटाफट से हमें याच को वापस लेके आना है, और अपने जिमी को भी बचाना है। तो फ्रैंकलिन भैया तू भी हमारे साथ बैठ जा, अभी हम फटाफट से चलते हैं याच को बचाने के लिए, और देखते हैं कि वहाँ जाके आगे का क्या सीन है। वैसे भाई एक पूरी बहुत बड़ी याच कैसे कोई बंदा कैसे चुरा सकता है, मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आई। वो भाई वो खड़ा सामने गया ट्रक इस ट्रक में अपनी याच है भाई, रिलोड करा दी हुई है इसमें। और भाई भाई बंदों का दिमाग देखो और इनकी हिम्मत देखो, हमारी याच को इन्होंने चुराया है। तो अभी क्या करना है हमें, गेट फ्रैंकलिन क्लोज टू द याच। ओके हमें फ्रैंकलिन को क्लोज लाना है याच के, लेकिन अपना फ्रैंकलिन क्या करेगा भाई याच के क्लोज जाके। ओ भाई ये खड़ा हो रहा है, ओ भाई अपने हीरोपंती के मूड में आ रहा है, देखो भाई अबे हम बैठे हैं तो चिल मार, इतनी हीरोपंती में मत आ। और जिमी भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लगता है जिमी भी इस ट्रक में ही है। तो देखते हैं अभी तो फिलहाल हमें इस याच का पीछा ही करते रहना है। और भाई फ्रैंकलिन याच पे चढ़ गया, मतलब बंदर की तरह, अगले ज़माने में बंदर था क्या भाई फ्रैंकलिन, गजब है मतलब अपनी हीरोपंती दिखाने के लिए। और भाई अभी इसकी फाइट हो रही है, अपना फ्रैंकलिन भाई गिर भी न जाए, हड्डी वड्डी नहीं उड़ जाए, बस यही डर है। और वैसे फ्रैंकलिन ने सबको मतलब धारेगा नहीं, इन सबको पीट डालेगा ये तो हमको पक्का पता है। और अपना फ्रैंकलिन ने एक बंदे को तो नीचे भी गिरा दिया है,
और अपना ओ भाई और भी ज़्यादा बंदे हैं इस याच में, मतलब बहुत सीरियस वाला मामला है, तो हमें भी इस गाड़ी को फॉलो करते रहना है। ओके चेस द याच, ओके हमें चेस द याच यानी अभी याच से आगे आना है, तो फटाफट से याच को ओवरटेक करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। और भाई वो बैठा अपना जिमी, मतलब जिमी भी याच के अंदर ही था। और भाई अबे ये जिमी कहाँ जा रहा है, अबे ये खरबूजा ढोल कहाँ जा रहा है भाई भाई भाई, इससे खड़ा नहीं रहा जाता और ये अपना याद चलाने चला है। देखो यहाँ पर लटक गया, ओके मैं जिमी को कैच करना है। ओ भाई बच गए भाई भाई, खतरनाक कैच किया है जिमी को, वरना ये खरबूजा तंदूर बन जाता कसम से। और अभी भी हमारा फ्रैंकलिन भैया उसी भी ट्रक पे है और गुंडों से फुल ऑन सिनेमा की स्टाइल में फाइट कर रहा है, और देखते हैं भाई क्या ही खतरनाक वाला सीन क्रिएट हुआ है। तो फटाफट से चलते हैं, और अभी शायद फ्रैंकलिन अकेला ही बचा है, तो अभी क्या करना है हमें। ओके अबे फ्रैंकलिन वापस क्यों आ रहा है, ओके कैच द फ्रैंकलिन। ओके हमें अभी ट्रक के पास अपनी गाड़ी को ले जाना होगा, और साइड से फ्रैंकलिन फिर से छलांग मारने वाला है। भाई छलांग मार ली इसने, ये पक्का बंदर है, बंदर या लंगूर दोनों प्रजाति में से एक का ये जरूर वंशज है, मुझे ऐसा लग रहा है अपना फ्रैंकलिन। भाई खतरनाक करके ट्रक पे गया था और वापस अब ट्रक पे आ गया। और भाई एक मिनट, अपनी गाड़ी ऐसा आवाज़ क्यों कर रही है, अबे गाड़ी में से धुआं भी निकलने लग गया है। एक मिनट भाई, गाड़ी लगता है ख़राब हो चुकी है, और वो बंदे हमारा याच भी शायद से लेके चले गए हैं। तो याच की तो कोई टेंशन नहीं है, बाद में याच को छुड़ा लेंगे उन बंदों से, या फिर अपनी नई याच खरीद लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अभी हमारी फिलहाल गाड़ी पूरी तरह से बेहाल हो चुकी है, मतलब देखो पीछे वाला बोनेट पूरा बैंड हो चुका है, और गाड़ी के आगे से भी धुआं निकल रहा है, मतलब गाड़ी पूरी तहस नहस हो चुकी है। तो अभी हमें क्या करना है, ओके अभी हमें लॉस सेंटोस नाम के कोई गैराज है वहाँ पर जाना है, और वहाँ पर अपने गाड़ी को सबसे पहले प्रिपेयर कराना है, यानी पूरी परफेक्ट तैयार व्यार करानी है। तो देखते हैं फटाफट से, अभी वैसे मैं पहुँचने वाला हूँ, और साइड से यही है क्या, ओके ऑटो रिपेयर शॉप, हाँ यही है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं, और भाई साहब माइकल अपना यहाँ पर उतर चुका है, और ओके भाई माइकल ने कैब भी बुला लिया अपने लिए, ठीक है अभी लगता है माइकल जाने वाला है और इस खरबूजे को हमारे साथ रखने वाला है। तो अपना माइकल तो भाई फुल ऑन टैक्सी मंगा दीजिए जा रहा है, और हमें इस गाड़ी को वैसे रिपेयर करानी है, और उसके बाद इस जिमी यानी इस खरबूजे को अपने घर भी छोड़ना है। तो भाई देखते हैं क्या करते हैं, और फटाफट से अभी अंदर चलते हैं, इस गाड़ी को अंदर लेके जाते हैं, और पहले इसको फुल ऑन रिपेयर मॉडिफाई करेंगे, इसकी अच्छी से मरम्मत करते हैं। तो फटाफट से धीरे धीरे अपनी गाड़ी को यहाँ पर लेके आते हैं, और सबसे पहले इसके क्या करें, ओके सबसे पहले इसके स्क्रैच ठीक कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इसका कलर वलर थोड़ा सही से चेंज कर लेते हैं, हवा वहा भी भर लेते हैं, और भाई बाकी का सारा लुक तो तैयार ही है, और इंजन विंजन सब कुछ सही करा दिया है। तो अभी हमने लगभग सारी की सारी पूरी गाड़ी रिपेयर करा ली है, एकदम पहले जैसी टिप टॉप बना ली है। तो अभी हम फिलहाल माइकल के घर के पास पहुँचने वाले हैं, और भाई ये हमारी येलो वाली कार अभी तक यहीं पे खड़ी है, और हमारा दरवाज़ा भी खुल चुका है। तो यहाँ पर फटाफट से इस खरबूजे को यहाँ पर पार करते हैं, क्योंकि इस खरबूजे ने पूरे रास्ते में मेरी तारीफ करके मेरा दिमाग में ख़राब कर दिया है, और भाई ये अभी भी चुप नहीं हो रहा है। सो ओके गाइज, अभी हमने खरबूजे को घर पर छोड़ दिया है, और हमारा मिशन भी यहाँ पर पास हो चुका है। तो इसी के साथ हमारे न्यू कॉन्टैक्ट में आया है जिमी। तो ओके गाइज, हमारे आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।